वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा। आज का टॉपिक है पॉलिटेक्निक 2018 का इम्पोर्टेंट मैथ कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रूट एट क्यूब दिया अपान अंडर रूट 16 डिवाइड अंडर रूट पूरे का 100 अपान 49 इंटू 125 रूट में क्यूब का मान है। ये पूछ रहा है फर्स्ट ऑप्शन एन ओ टी यानी नन ऑफ दीज, ये बी और सी डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जो रूट होता है एट वो किसका क्यूब होता है, रूट एट जो होता है हम लोगों का किसका क्यूब होता है, टू का क्यूब होता है, टू का क्यूब। तो इसके जगह पर डायरेक्ट हम बता रहे हैं, यहाँ टू नोट कर सकते हैं। ओके, जैसे टू का क्यूब होता है टू की पावर थ्री एट होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू की पावर वन। रूट एट जो होता है वो क्या होता है, टू की क्यूब होता है, इसलिए हम इसको टू लिख सकते हैं। ये अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, फोर का स्क्वायर, तो इसके जगह पर फोर लिख सकते हैं। और ये डिवाइड का साइन को हम लोग चेंज करेंगे इंटू में, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, ये 49 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ इंटू को साइन लगा के और हम लोग इसको लिख लेंगे अंडर रूट 49 अपान 100। ओके, उसका इसको ऐसे रहने दो, इसको फिर 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है 125, इसलिए यहाँ इसको 5 नोट कर लेते हैं। फिर इसको और सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो ये 49 भी किसका होता है स्क्वायर, 7 का, और 100 किसका होता है 10 का, तो यहाँ 10 हो जाएगा इंटू यहाँ फिर 5 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो कुछ होने वाला नहीं, ये कैंसिल होगा 5 से 10 टू टाइम, यहाँ 2 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 7 अपन 4 बचेगा। ओके, 7 अपन 4 बचा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए, हमारा आंसर मिलाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 1 4। ओके, 4 1 4 और प्लस 3, तो ये कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, आंसर आ रहा है 1 होल 3/4, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो रहा है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, बस सिंपल क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जब भी इस प्रकार से है, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 डैश 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 इनफाइनाइट तक इसका मान पूछे, जब भी ये देगा तो हमें 72 दिया है, तो इसको हम लोग फैक्टर में करते हैं, निगेटिव चिन्ह दिया हो तो जैसे इसका फैक्टर होगा 9 × 8 72 हो जाएगा। हमेशा क्रमागत संख्या लेते हैं जो इससे बस एक कम हो, 9 और 8 में अगर माइनस चिन्ह है तो 8 इसका आंसर हो जाता है, अगर यही यहाँ प्लस का साइन दिया रहता हर जगह तो यहाँ कौन सा सही हो जाता है, 9 इसका आंसर हो जाता है। ओके, अगर प्लस चिन्ह दिया हो तो 9 आंसर हो जाता है, माइनस चिन्ह दिया हो तो क्या होगा, माइनस चिन्ह दिया हो तो 8 आंसर हो जाएगा, जब यहाँ इनफाइनाइट का साइन दिया हो, बाकी इनफाइनाइट का नहीं दिया हो तो ये नहीं लगेगा ट्रिक। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन 8 आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 हो तो हम लोग इसको ऐसे, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 12, ओके यहाँ प्लस का कर लो 12 और भी कर लो 12 और यहाँ इनफाइनाइट का साइन। ओके, तो इसको हम लोग भी ऐसे तोड़ेंगे 4 × 3 में, इसको हमने क्रमागत में तोड़ा, इसमें भी एक का डिफरेंस है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो बड़ा वाला लेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए, 40 दिया है, 120 दिया है, तो पूछ रहा है ये एक्स के इसका मान बताइए, ये कौन सा एंगल इसका कितना होगा, 120 80, नन ऑफ दी 60। तो हम लोग क्या करें, हम लोग जानते हैं कि यहाँ 120 से स्ट्रेट लाइन पे कितना 180 का बनता है, वैसे तो पूरा 360 हो जाएगा नीचे तक, लेकिन यहाँ 120 दिया है तो इस पर 180 बनेगा, तो कितने की कमी है, 180 में से 120 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। ओके, और त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग कितना होता है, 180, तो ये 60 40 दिया है तो ये 60 40 100 हो जाएगा, और वो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 होता है, 180 में से हम क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाता है। इतने सिंपल सिंपल सवाल इस बार पॉलिटेक्निक 2018 में पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, सी डी फार्मूला बेस है,
उसमें दिया एस, इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगेगा, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी हो जाएगा 75 प्लस 15 बाई टू इंटू कॉस हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू, नहीं सॉरी साइन आता है, साइन साइन सी माइनस डी बाई टू, तो हो जाएगा 75 माइनस 15 बाई टू। ओके गाइस, उसके बाद नीचे किसका लगाना है, कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है, इसमें दोनों टर्म कॉस के आते हैं, तो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो 75 प्लस 15 बाई टू इंटू ये हो जाएगा हमारा कॉस, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, अपन ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला था, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये हो जाएगा हमारा 75 माइनस 15 बाई टू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा टू कॉस 75 और 15 कितना हो जाएगा 90 बाई टू इंटू साइन, ये कितना हो जाएगा, ये 75 माइनस 15 60 बाई टू, अपन ये कितना हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा फिर 90 बाई टू इंटू कॉस 60 बाई टू। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा कॉस 45 डिग्री, ये तो कैंसिल हो जाएगा वैसे ही पूरा पूरा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन अपन कॉस, ये दोनों कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 अपन कॉस 30, तो ये क्या हो जाएगा 10 30। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1/√3 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 1/√3। ओके गाइस, 1/√3 ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तो क्वेश्चन है, यदि चार वस्तुओं का क्रय मूल्य तीन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट बताओ। ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। कह रहे यदि चार वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी चार वस्तुओं का क्रय में कॉस्ट प्राइस और ये तीन वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इसको लगाने के लिए क्या है, चार वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है तीन वस्तुओं के क्या कह रहे हैं सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे सी पी अपान एस पी इजकल टू 3/4। ओके, तो कह रहा है लाभ परसेंट वाला, तो हम लोगों ने 3 रुपये में खरीदी है कोई वस्तु, उसको 4 रुपये में बेची है, तो हमें लाभ कितने का होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, हमें प्रॉफिट 1 रुपये का होगा। ओके, तो अब ये पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस कर, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपये का, और कितने रुपये में खरीदा था 3 रुपये का, इसमें बस 100 लगा दो, तो कितना होते है? ये होता है हमारा हमेशा 33 सही 1/3%। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस। इसको बस क्या करना है, जो कह रहा है चार वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हमने लिख दिया चार कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 3 CP के बराबर। इसको क्या कि एक CP अपान SP कर लिया, CP 3 दिया था, SP 4 दिया था, यानी 3 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है 4 रुपये में बेची है, तो पूछ रहा है प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट 1 का हुआ, लेकिन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देते हैं, और जो आया उसको 33 से 1/3%। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, थैंक यू गाइस।